10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Cheating, cheating. Cheat. हेलो एवरीवन, बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है इस ईयर का लास्ट डे। यस, लास्ट डे हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आप सबको ही पता है, इसमें कोई मेंशन करने वाली बात नहीं है। आज है 31st of December, yes. 2020 गाइस, क्योंकि बहुत बहुत हैपनिंग, बहुत अच्छा नहीं रहा है। मिक्स फीलिंग्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हुई जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, कभी हमने नहीं चाही होंगी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना। एंड इसके अलावा भी बहुत हैपनिंग ईयर नहीं रहा है। सो विद दिस होप हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि आने वाला जो नया साल है तो बहुत 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 अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारा एक हेल्दी जीवन लेके आए, खुशहाल जीवन लेके आए, आई वुड से। सो इसी कामना के साथ मैं और निक्की इस YouTube चैनल के मीडियम से निक्की के तमाम सब्सक्राइबर्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं अपनी तरफ से। एंड अभी आया नहीं है हैप्पी न्यू ईयर, आने वाला है, बट हमने पहले ही विश कर दिया। तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, 10:30-11 ऑलरेडी हो चुके हैं, सो हार्डली एक घंटे का समय और बचा हुआ है। आज हम न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हम आपको इस ब्लॉग के थ्रू दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं जो गेम सोचा है इन्होंने, सारा क्रेडिट इनको जाता है। आपको थोड़ा सा, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ एक्चुअली, उससे पहले मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ और, एज इन मैं एक होस्ट बनना चाहता था, एक न्यूज़ एंकर बनना चाहता था, एक न्यूज़ प्रेजेंटर बनना चाहता था, बट वो सब रीजंस की वजह से मैं नहीं बन पाया। तो वो हम कैसे, आज की छोटी सी पार्टी, हम लोग बाहर नहीं गए हैं, घर पे ही हैं, घर पे ही हैं। रीज़न आप सबको पता है क्यों, दिल्ली में NCR में पता नहीं नाइट कर्फ्यू है या नहीं है, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है, वो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि हमारे घर पे ऑलरेडी विकास, प्रीति, मेरी नानी आए हुए हैं, तो उनको छोड़ के बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस बार का न्यू ईयर घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। एंड क्योंकि हम घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर, तो उसमें थोड़ा सा एक न्यूपन, थोड़ा सा यूनिकनेस लाने के लिए मैंने कुछ इंडोर एक्टिविटीज़, कुछ एक इंडोर गेम्स सोचे थे जो कि आज हम खेलने वाले हैं, एंड जो आप हमारे वीडियो में डेफिनेटली देखेंगे। आपको वो एक्टिविटीज़ कैसी लगी, हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का तरीका कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स करना। बहुत अच्छे अच्छे, हाँ, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नेगेटिव कमेंट्स मत करना प्लीज़, बहुत बहुत दुख होता है आप लोग के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के। विद दिस वी विल एंड आवर वर्ड्स हियर, बिकॉज और ये बता दो आप कि आपके साथ 2020 में कुछ बुरा हुआ? Yes. आपके साथ स्पेशली? Yes, मेरे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ वो बुरा, बहुत बुरा था एक्चुअली, तो पर हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा भी हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, वो हम जल्दी जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, अभी नहीं कर रहे हैं, वो सही समय नहीं है अभी, बट हम वो जरूर शेयर करेंगे कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ और हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। बट इसीलिए वी आर जस्ट होपिंग एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड भगवान से सिर्फ यही दुआ है कि 2021 जेन्युइनली गाइस सबके लिए बहुत 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 सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारा
एक हेल्दी जीवन और वो सब चीज़ें लेके आए जो हमने 2020 में हमें नहीं मिल पाई और जो हमारी अधूरी रह गई। इसी के साथ एक चीज़ हम और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप सब न्यू ईयर पे अपना क्या क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं। मैंने तो कभी आज तक कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया नहीं है, रीज़न बीइंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से डेली ही कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेता हूँ कि आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना, आज के बाद मुझे वो नहीं करना, आज के बाद मुझे ये करना है। तो इसीलिए मेरे जो रेजोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे चलते ही रहते हैं। एज सच मेरे लिए न्यू ईयर पे खासतौर पे कोई ऐसा रेजोल्यूशन बनता नहीं है, बट आई होप कि काफ़ी लोग न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। तो आपने इस न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन लिया है वो डेफिनेटली हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में अगर हमसे अपना कोई गाइडेंस, कोई ओपिनियन, कोई थाट शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नीचे, करते हैं बहुत सारी तैयारी और करते हैं पार्टी इंजॉय। आप लोग भी करना, लास्ट तक देखना वीडियो को। बाय बाय, चलते हैं नीचे, चलो किसके साथ? किसके साथ? चाची के साथ। पार्टी चेंज कर लिया आपने? चाची के साथ। चलो 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 पार्टी में चलो। धनुदा देखो एक बाहर दिया चलो 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 चलो। कहाँ बाबू? कहाँ कहाँ? हम जा रहे हैं आपका। आप ना मेरी पार्टी में, हम न्यू ईयर पार्टी करते थे आप? नहीं नहीं, मेरी देखो क्या, हम न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं। अबे चाबी ले जाना, नहीं इसको जलाने के लिए। योर योर तंबोला। पहला जो हम गेम, भागम भाग, हमें खाली पेज मिला है। नहीं नहीं,
पहले गेम का नाम है राम मिलाए जोड़ी, नहीं सिर्फ राम मिलाए जोड़ी। इसमें आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, डिशेस जो डिश होती है ना खाने की डिशेस, जैसे दाल चावल, तो जोड़ी हो गई दाल चावल, इस तरीके के नाम लिखना है, डिशेस ही लिखनी है, सब्जी नहीं लिखोगे, डिश का नाम लिखना है। अच्छा ठीक है, और टाइम दिया जाए, रुको रुको मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे दाल चावल जोड़ी होगी ना, दाल चावल दाल के साथ जो खाया जाता है, राजमा चावल तो बता दे दो, तो एक वर्ड बोलोगे हमें उसका जोड़ी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों को खुद मैं एक टाइम दूंगा, टाइमर ऑन करूंगा, एक मिनट अभी नहीं। आपने पेन चेक कर लो, थोड़ा विकास ने टोटल 1 2 3 4 5 5 डिश लिखी है, छोले भतूरे नहीं ऐसे नहीं लिखना भाई, वो तो जल्दी जल्दी मैं नहीं, स्पेलिंग के वो नहीं करना, हां स्पेलिंग का मैं बता रहा हूं, बट ये काउंट है, मतलब हिंदी की स्पेलिंग गलत लिखी है, छोले भटूरे एक काउंट होगा, एक पेन मुझे दे दो मैं ठीक कर लूं, ये लो, अब मेरा स्पेलिंग का नहीं होती कि मेरा पेंसिल चल नहीं रहा, राजमा चावल ये भी सही, राजमा चावल तो लेकिन मैंने बताया था, उसका हमें क्या मतलब, उसे आपने क्यों बताया था, चावल दाल ये भी मैंने बताया था, मैंने भात विकास मैंने भी लिखा साग भात, विकास ने लास्ट वाला बहुत अच्छा लिखा, क्या छोले समोसे, तो क्या खा तो सकते है ना, आपने बहुत सारा लिखा है दीदी, अच्छा मुझे लगा आप जीत गए, बहुत सारा लिखा है, ज्यादा एंट्रीज तो पीटी की लग रही है, इसने भुजड़ी ना लिख दिया, भुजड़ी चाय, चलो तो सबसे पहले प्रीति ने लिखा है दाल चावल, ओके, फिर लिखा है छोले भटूरे, ये भी ठीक है, फिर लिखा है सब्जी रोटी, ये भी ठीक है, चावल राजमा भी ठीक है, चावल राजमा भी, मैंने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, तो दिखाओ क्या क्या रख रही है, छोले चावल भी होता है, मोमोज चटनी, ये भी लिखा है, बट जोड़ी तो मोमोज डिश भी है, कामा थोड़ा समझ इस तरह उसके बाद बेसिकली हमारी पहला लिखा है छोले चावल, सही ये की बिचारी देखो कितना डिसेंटली लिख रही थी, पहले 1 कुछ लिखना चाहते थे, सोचा टाइम चला जाएगा, मैं छोटे छोटा की सीधा डिसेंट बच्ची हूं मैं, सो उसके छोले भटूरे, उसके राजमा चावल, पता छोले भटूरे इडली सांभर, तो क्या ये डिश नहीं है, खुले मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी डिशेस में देखो एक नया नाम ऐड हुआ, क्या इडली सांभर, मैंने क्या डिश लिखी है, दाल चावल एंड साग भाजी के सारे ठीक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बट सॉरी अभी तक प्रीति इज गई, प्रीति और तो मैं कंफ्यूज हो गई, वरना और लिख लेती, पता है आपको इन्होंने वैसे प्रीति जीती है, प्रीति आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, दो दो चीफ गेस्ट है, मम्मी और मम्मी की मम्मी, उनसे बड़ी चीफ गेस्ट नानी, गाड़ी की चाबी प्रीति ले लो, प्रीति गाड़ी की चाबी मिल रही है आपको, ले लो ले लो ले लो, सो खैर क्योंकि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो जो भी गिफ्ट होगा वो मम्मी बाद में देंगी, जब आ जाएगा आई थिंक थोड़ा सा टाइम और बचा, एक घंटा तब मम्मी से हम सारे विनर्स को गिफ्ट लेंगे, सेकंड गेम का जो नाम है उसका नाम क्या है, क्या पहचान कौन, ठीक है
यस सो सेकंड गेम का नाम है पहचान कौन। यार ऑफिस में यही सब कर रहा था तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें जैसे इसीलिए तो इतने एक्साइटेड थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। इसमें अलग अलग भाई देखो न्यू ईयर एक्साइटेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि आज दो स्पेशल गेस्ट जो है प्रीति और विकास ना सिर्फ दो गेस्ट हमारी नानी हमारी हमारी मंदबुद्धि बहन और मन। आपको करना क्या है जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं कोलगेट कोई चाय पत्ती कोई नहाने के साथ निक्की के सबसे ज्यादा ब्रिलियंट आंसर्स हैं ऐसा मुझे लगता है तो इस राउंड के बाद हम निक्की को एक स्टैंडिंग ओवेशन उसके बाद नेक्स्ट व्हाट वाज नेक्स्ट माउंटेन मैंने लिखा माउंटेन ड्यू मैंने कहा नहीं तो मुझे पता तो कुछ नहीं है पर मैंने ऐसे ऐसे आंसर्स लिखे कि हंसी आएगी। क्या है किसी ने लिखा है मैंने लिखा है मैंने लिखा है प्रीति मैंने लिखा है सुनो मेरी बात सुनो मैंने कुछ तो लिखा है माउंटेन ड्यू तो लिखा है ये क्या है आज घर कुछ क्या था तो तू और अंदर मत के कहना यहां ये घर के लिए लाल लाल दिखाने के लिए मम्मी आ जाओ हां तो क्या कर दूं फिर ये झूठा हो गया क्या नहीं झूठ। इस गेम का नाम रखा है क्या जरा संभाल के जरा संभाल के यस जरा संभाल के ठीक है तो पहले ही हम स्ट्रॉ को दे दें ओ स्पून के साथ स्ट्रॉ के साथ कुछ होगा सॉरी विकास अगेन यू आर रॉन्ग इस स्ट्रॉ का करना क्या है और हमने इसका नाम जरा संभाल के क्यों रखा है इसको संभाल मैं आपको जरूर बताएंगे। मैं एक और क्लू देता हूँ कि जरा संभाल के क्यों कहा गया है ठीक है सो नेक्स्ट क्लू है पिन सेफ्टी पिन अंदर से निकालना है बहुत गंदा था प्रीति कहाँ से आपको पिन मिला खोजने से भगवान मिल जाते हैं पिन कौन सी बड़ी बात है ये तिजोरी आपने मुझे बताया होगा अच्छा अच्छा तो अब इस गेम में आपको क्या करना है इसके नाम जरा संभाल के क्यों रखा है इसमें आपको क्या करना है स्ट्रॉ लेना है स्ट्रॉ के अंदर आपको इस पिन की हेल्प से होल्स करने छेद करने ठीक है और जिसने मैक्सिमम छेद किए वो गलती से वो दूसरा तो वही वो करना है इतना क्लियर होना चाहिए वो कि काउंट हो पाए। एक बार और बताना मैंने सुना नहीं आपको नहीं वो आपको कैसे करना कैसे नहीं वो आप एंड यस आपको बिल्कुल वो करना छेद जो है वो बिल्कुल आर पार होना चाहिए पूरा वो तभी गिना जाएगा अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। स्वीट डोर कौन चलाता है इसके लिए समय थोड़ा सा आपको जल्दी मिले ज्यादा दिया जाएगा कितना 3 मिनट 3 मिनट नहीं बहुत मैक्सिमम 2 मिनट नहीं नहीं 2 मिनट में मजा नहीं आएगा 3 मिनट क्योंकि इसमें मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा ज्यादा छेद निक्की अभी से सर खुजला दिया कि ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम है। 2 मिनट सो गाइस 1 मिनट हो चुके हैं और ये निक्की जी हैं हमारी मेहनत कर रही हैं। फोन वैसे पकड़ो सॉरी निक्की मैं सिखा रही हूँ कि फोन ऐसे पकड़ी उनका वीडियो खराब हो जाएगा। ये निक्की मेहनत कर रही है और यहाँ निक्की के पीछे विकास मेहनत कर रहे हैं। विकास ने आई थिंक सबसे स्मार्टली किया है। उसके बाद यहाँ कौन है यहाँ है हमारी स्वीट सिस्टर प्रीति क्या कर रहे हो आप फोन कर रही हूँ इधर भाभी बैठी हैं बाबू क्या कर रहे हो आप इसमें देख के बोल दो हेलो कम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 stop विकास अपना स्ट्रो दिखा है मेरा देखना मेरी बात सुनो
सब अपने अपने स्ट्रॉ देखो एक दूसरे के, सॉरी अपने अपने कह रहा हूँ, और गेस कर सकते हो कि कौन जीता होगा। मैं नहीं, उसको प्रॉपर कर दो, ऐसे पिचका के दबाओ मत, उसको प्रॉपर कर दो राउंड शेप में, जैसे वो आ जाए प्रॉपर, तभी थोड़ा सा वो आएगा फ्रेंड। ठीक है, विकास जरा बताते कौन जीता है। आई थिंक विकास जीता है। नहीं देखना थोड़ा मेरा, एक बार मेरा देखो, है, मेरा ये देखो, ये देखो मेरा मेरा हाल देखो पहले। चलो कोई नहीं, एक 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 वो था इसमें, एक क्या बोले हिडन क्लू था इस गेम में। गेम ये नहीं था कि कौन सबसे ज्यादा छेद करेगा। ठीक है, गेम क्या था, गेम क्या लाइन से कौन छेद करेगा, गेम ये था। क्या था क्या गेम था? आप लीजिए, आपको पानी पीना होगा। क्या किया? तो इस नहीं अभी नहीं यार, निकी नहीं, दिस इज चीटिंग। नो 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 प्लीज, दिस इज चीटिंग। सी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एट द काउंट ऑफ थ्री अगेन ये गेम भी स्टार्ट होगा। विकास, प्रीति, 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 3 मिनट में आपको वो करना है। और अगर 3 मिनट से पहले ही, सुनो सुनो सुनो, 3 मिनट से पहले ही अगर किसी ने अपना ग्लास खत्म कर लिया, वो दूसरा एक ग्लास पानी भी ले सकता है। दो मिनट, अच्छा चलो ठीक है, 3 मिनट में से पहले जिसने अगर खत्म, 3 मिनट से पहले अगर जिसने कर दिया, चलो हो गया। 1 2 3 स्टार्ट। स्ट्रॉ से पानी गिरना नहीं चाहिए किसी का, अदरवाइज वो चीटिंग मानी जाएगी। चीटिंग भाई, निक्की चीटिंग। प्रीति ग्लास टेढ़ा हो रहा है। प्रीति हाँ, नहीं विकास की चीटिंग चीटिंग। हाँ तो दो, हाँ स्मार्ट वर्क है तो जाके। निक्की का तो बहुत सारा पानी, निक्की तो बिल्कुल नहीं जीतने वाली। मैं मुंह दुखा गया, ये मैं इसको कवर कर रही हूं। ओ माय, 1 मिनट 5 सेकंड्स है। अभी अभी ज्यादा पी लिया है, दिखा दिखा किसने ज्यादा पी। ऐसे पीते हैं, मुझे लग रहा है 3 मिनट बहुत ज्यादा दे दिया इस गेम के लिए। नानी रुक जाए, 10 मिनट है बस। नानी बहुत तेजी आ गई भाई, डेडिकेशन है तो प्रीति की तरह। ये देखो प्रीति, दिखाओ अपना ग्लास। ए इज अ डेड भाई, क्लियर विनर। अरे उठ चल लगे कहीं। आप मैंने सुना ज्यादा ही हो, मेरी स्ट्रो फट भी गई थी। प्रीति मैंने पता कैसे पिया, जब भैया इतने ज्यादा तो भर दो की लास्ट तक पी लिया था, फिर भी हार गई। दो चीज इस राउंड के क्लियर विनर है प्रीति। प्रीति विनर, यस। सो अभी तक हमने 3 गेम्स खेले हैं गाइस, एंड 3 में से 2 की विनर हमारी प्रीति है, 1 के विनर हमारे अजीत भैया, एंड आगे भी और सारे गेम के विनर मैं हूं। नहीं, एंड आगे हम कोशिश करेंगे एक और गेम हमारा भी एक लास्ट रहता है, सो वी विल सी कि इस पूरे न्यू ईयर गेम में आखिर फाइनल विनर कौन होता है। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year, Happy New Year!
चुके हैप्पी न्यू ईयर। आता ना वही मेरे बच्चे हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। लो भाई लो भाई लो भाई, उधर उधर देखो, बोलो उधर देखो, उधर देखो, उधर बोले हैप्पी न्यू। फाइनली हम लोग नीचे से आ गए हैं अपना पार्टी खत्म करके, न्यू ईयर सेलिब्रेट करके, एंड न्यू ईयर इज हियर बिकॉज़ 12:30 हो चुके हैं। वी आर अ लिटिल बिट लेट बट अगेन मेरे और निक्की की तरफ से एंड मेरी पूरी YouTube फैमिली, नॉट जस्ट मेरी और निक्की की तरफ से बट मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, निक्की के तमाम सब्सक्राइबर्स जो भी इस चैनल के मीडियम से हमसे जुड़े हुए हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहारी समाज के लोग हमने से जुड़ा हुआ है चैनल के माध्यम से, और लोग के भी हम नए साल की खूब सारा ढेर सारा शुभकामनाएं प्यार देम, यह कामना लेबो करें, यह कामना करें जो हम निक्की कि आप सभी अपना आशीर्वाद अपना प्यार हम लोगों को देते रहे, तरीके से आने वाले नए साल में भी बनाए रहें। हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत कुछ बोल चुके हैं, सो विद दिस ऑलरेडी बहुत ले चुका है, कल मुझे ऑफिस भी जाना है, सो विल नॉट टेक मच टाइम। बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बी हैप्पी, बी टुगेदर अगेन, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।